हेलो गाइस, वेलकम टू कृषि क्रोचिट चैलेंज। तो आज मैं आप लोगों को कॉटन की कपड़ा से बहुत ही सुंदर सा एक ड्रेस बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, साथ में ये लेस है, ये कपड़ा की लेस है और ये 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस। तो मैं 5 नंबर लड्डू गोपाल को पहना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। मेरा चैनल में और भी बहुत सारा कपड़ा का ड्रेस आपको मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मेरा चैनल में जो नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कॉटन की फैब्रिक ले लिया और ये मलमल कॉटन है, एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट, वही फैब्रिक मैंने ले लिया। इसका चौड़ाई जो है 3 इंच है और इसका लंबाई जो है 42 इंच है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए, ये कॉटन का लेस है, इसे मैं छोटी छोटी प्लेट्स डाल के मैंने ये बना लिया पहले से ही। थोड़ी दूर गैप गैप देते हुए मैंने ये पहले से रेडी कर लिया। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों साइड देखिए, ऐसे सिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, दोनों साइड सिलाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसे हम सीधा रखेंगे, ये देखिए सीधा है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये फैब्रिक में ही डिजाइन किया हुआ है। और ये लेस लेंगे हम। लेस लेने के बाद देखिए, सबसे पहले हम इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। सिलाई करने के बाद पूरा सिलाई कर लेंगे। करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से ये जो लेस है यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे इस लेस को। उसको बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर से कोई भी एक मतलब कि लेस जो है गोल्डन कलर का, कोई भी इसके ऊपर से एक लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं इसे लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा दूंगी कि क्या लगाना है। तो ये लेस लगाने के बाद क्या करेंगे, पहले ये लेस लगा लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। तो देखिए गाइस, मैंने पूरा लगा लिया लेस को। लेस भी आपको उतना 42 इंच ही लेना है। तो लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बस प्रोसेस आपको बता देती हूँ। देखिए, इस साइड मैंने खुला छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लेट्स बनाना है, तो इसलिए मैंने खुला छोड़ दिया, सिलाई नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर से एक लेस इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से एक लेस हम लगा लेंगे। तो लेस लगाने लेने के बाद जैसे ही लेस लग जाएगी, हम यहाँ पे छोटा छोटा स्प्लेट डालेंगे इस तरह से, थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से हम प्लेट बनाएंगे। और कोमर की माप आपको रखना है 5 से 5.5 इंच, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। तो उसी के हिसाब से आपको बनाना है। तो बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से प्लेट बना लेना है। तो मैं बना लेती हूँ, आगे की प्रोसेस बताऊंगी। तो देखिए गाइस, मैंने ये प्लेट बना लिया, छोटा छोटा प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए। इसका जो कोमर है, मैं कोमर आपको दिखाती हूँ, 5 इंच से थोड़ा ज्यादा, 5.5 इंच के आसपास। अब इसे क्या करेंगे, कोमर पट्टी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर एक बार आयरन लगा लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर एक बार इस तरह से आयरन चला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोमर पट्टी लिया, कोमर पट्टी जो लिया मैंने, इसका लेंथ है देखिए 10 इंच रखा। अगर एक्स्ट्रा होगी तो मैं इसे कट कर दूंगी, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मैंने रखा। और इसका चौड़ाई जो है 2 इंच है और लंबाई 10 इंच। तो कोमर पट्टी लगाने के लिए पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, एक्स्ट्रा धागा, जितना भी एक्स्ट्रा धागा है कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद हम यहाँ से कोमर पट्टी लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से कोमर पट्टी लगा लेंगे। तो मैं कोमर पट्टी लगा लेती हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस बताऊंगी। ये देखिए, मैंने कोमर पट्टी यहाँ पे नेपाल लगाने के लिए ये मैंने सिलाई कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से डोरी रखेंगे। और डोरी रखने के बाद ये देखिए, ये एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके बाद इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये डोरी के ऊपर से सिलाई ना हो जाए, तो उसी का ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपको लॉक करना है। तो इस तरह से हम कोमर पट्टी लगा लेंगे। तो मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस बताऊंगी। तो देखिए गाइस, मैंने डोरी लगाने के बाद यहाँ पे देखिए, एक मैंने लेस यहाँ पे लगा लिया, जो यहाँ पे मैंने सिलाई किया, सेम यहाँ पे भी मैंने लगा लिया एक लेस। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इसे हम साइड कर देते हैं, अब चलते हैं चोली बनाने के लिए। चोली के लिए मैंने लंबाई लिया देखिए 10 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे इस तरह से, ये है उल्टा और ये है सीधा, ठीक है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से सिलाई कर लेंगे, सिलाई करने के बाद इसे पलट देंगे, ठीक है। पलटने के बाद उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने सिलाई करने के बाद मैंने पलट लिया था, उसके बाद मैंने आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद सिंपल सा सीधा सीधा एक लेस मैंने लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए, यहाँ से लेके
ढाई इंच के आसपास मैंने सिलाई लगा लेंगे, ढाई इंच के आसपास सिलाई कर लेंगे इस तरह से, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से चढ़ा के ढाई इंच के आसपास यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर ले। तो सिलाई करने के बाद ही आगे की प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरा ड्रेस रेडी हो गई, देखा कितना आसानी से बहुत सुंदर सा एक ड्रेस मैंने बना लिया। आप भी बनाइए और लड्डू गोपाल को पहनाइए। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।